CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लुई पाश्चर की मानवता को देन। आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं। 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग। 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर। De Marseille, dans le sud de la France. Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोंसिनर दावेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे। आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था। वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे। लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा। स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन, देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है,
पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते। हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने? लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा? हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है। तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए। वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था। चलो 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 ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है। ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया। जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए। जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे। 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया। ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे। 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने। उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा, लुई पाश्चर सर, हम तुमसे एक मदद चाहते हैं। कहिए सर। पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं। ठीक है। कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब
प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है। तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है। पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया। इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए। इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही। सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली। लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन। प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया। एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही। सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई। तो फिर उन्होंने क्या किया? 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया। अरे आजा आजा आजा। इंजेक्शन लगा दूं? आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी। रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई। सर सर, ये टेलीग्राम। अच्छा, लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस। क्या हुआ सर? देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर। थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं? यानी आपका प्रयोग सफल रहा। हाँ चार्ल्स। उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी। इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी।
6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन। उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया। सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा। आप ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा। पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, मेरा अच्छा, बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ। और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली। उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया। 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं। पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया। सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी। इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता। और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना। इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता। और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
लुई पाश्चर की मानवता को देन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध, आलेख और विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुवाद सविता राणा, कलाकार बावला कोचर, राजश्री त्रिवेदी, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, कीमती आनंद और प्रवीण शर्मा, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाडे, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।